बूथ जीता चुनाव जीता के लिए मंत्र, दिव्यांग और 80 प्लस के मतदाताओं से घर बैठे वोटिंग की तैयारी, जानिए बीजेपी की पूरी रणनीति। नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। मध्य प्रदेश चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक रखी है। हाईकमान ने जिस छोटे छोटे पॉइंट्स पर फोकस करने को कहा है उसके बड़े माने हैं। ओपिनियन पोल भी बताते हैं कि 230 में से 71 सीटें ऐसी हैं जहां जिसने ज्यादा मेहनत की वो जीत जाएगा। जो काम कार्यकर्ताओं को सौंपे गए हैं वो हो रहे हैं या नहीं, हाईकमान इसकी मॉनिटरिंग थर्ड पार्टी से करा रहा है। इसके लिए इंदौर से भी टीम आई हुई है। भास्कर के पास हाईकमान द्वारा सौंपे गए पॉइंट्स की कॉपी उपलब्ध है। जानिए दिल्ली हाईकमान द्वारा मध्य प्रदेश में हर बूथ जीतने के लिए दिए गए मंत्र और उनकी रणनीति। 80 प्लस उम्र के और दिव्यांग मतदाताओं की वोटिंग डाक मत पत्र से करवाना रणनीति। मध्य प्रदेश में 80 साल से अधिक के मतदाताओं की संख्या 6.5 लाख और दिव्यांग मतदाता 5.5 लाख हैं। दोनों मिलाकर यानी 11 लाख से ज्यादा हैं। पार्टी इन वोटर्स को सीधे साध रही है। इसके लिए ऐसे मतदाताओं के फॉर्म 12D यानी अनुपस्थित मतदाता फॉर्म भरवाएगी। ये वोटर्स बूथ तक नहीं आ सकते हैं या किसी की मदद से आते हैं, ये फॉर्म घर से ही वोटिंग का अधिकार देता है। वजह, मध्य प्रदेश में कई ऐसी सीटें हैं जिनमें पिछले चुनाव में हार जीत का मार्जिन 5000 या उससे भी कम रहा है। दूसरी तरफ 80 साल से अधिक के मतदाता और दिव्यांगों की संख्या देखें तो लगभग हर सीट पर एवरेज 2500 से 5000 मतदाता हैं। पार्टी इसके जरिए कम अंतर वाली सीटों को जीतना चाहती है। इससे इन 11 लाख से ज्यादा बुजुर्ग दिव्यांग मतदाताओं के परिवार भी साधेंगे। जिन बूथों को 2018 में गवाया पर 2019 में जीता वहां अलग फोकस रणनीति। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018 में पार्टी को हार मिली थी, जबकि 6 महीने बाद हुए लोकसभा चुनाव 2019 में भाजपा ने कांग्रेस को बुरी तरह हराया था। 29 में से 28 लोकसभा सीटें जीती थी। अब पार्टी 2019 की ही तरह वो सभी बूथ जीतना चाहती है ताकि सेफ तरीके से सरकार बनाई जा सके। वजह, 2018 में हारे लेकिन 2019 में जीत में बदले बूथों को चिन्हित कर लिया है। इन्हें ए प्लस, ए और बी कैटेगरी में बांट दिया गया है। बी यानी कमजोर और हारने वाले बूथ, टास्क दिया है कि बी कैटेगरी के बूथों को ए प्लस ना सही तो ए यानी जीत वाली बूथ में बदला जा सके। पन्ना प्रमुख को पन्ने में शामिल हर घर से हर तीसरे दिन मिलकर आने को कहा है। यह सिलसिला चुनाव होने तक चलता रहे। सिंबल ही नहीं तो हारे जीते सरपंचों को पार्टी से जोड़ने में हर्ज नहीं। रणनीति, पार्टी ने ग्रामीण क्षेत्र में जीते हारे सरपंचों को जोड़ने का फैसला किया है, क्योंकि सरपंच के चुनाव सिंबल पर नहीं होते हैं, पार्टियां सिर्फ बाहर से समर्थन करती हैं। ऐसे में जीते हारे दोनों सरपंचों को साध कर ग्रामीण बूथ जीतने पर काम किया जा रहा है। वजह, कई सरपंच न्यूट्रल होते हैं, उन्हें आसानी से अपनी तरफ लाया जा सकता है। साथ ही कई सरपंच ऐसे होते हैं जो पार्टी की सरकार विधायक सांसद नहीं होने से बजट से जूझते रहते हैं, उनसे संपर्क कर पैंट बनाई जाए, कार्यकर्ता का विधायक सांसद से स्वागत करवाएं। रणनीति, हर बूथ जीतने के लिए ना सिर्फ नए कार्यकर्ता बनाने हैं बल्कि उन्हें सक्रिय कर रैलियों में भी लाना है ताकि उनके घर गली मोहल्लों में भाजपा के नाम से टॉकिंग प्वाइंट खड़ा किया जा सके। यह माउथ पब्लिसिटी का भी हिस्सा बनेंगे। मायने, कार्यकर्ता को सम्मान नहीं मिल रहा, उपेक्षा हो रही है लगातार सत्ता में रहने के बाद, या आरोप खोलकर लगे हैं। यही वजह है कि जो नए कार्यकर्ता जुड़ेंगे उनका स्वागत विधायक सांसद या जिलाध्यक्ष से करवाया जाएगा, उन्हें साथ में रैलियों में लाएंगे। बड़े नेताओं की सभा का इंतजार नहीं, हर मोहल्ले में रैली बैठक रणनीति। पार्टी से दलित, आदिवासी और महिलाओं को सीधा जोड़ने के लिए माइक्रो लेवल पर वर्किंग कर रही है। सरकारी योजनाओं के बखान ही नहीं बल्कि महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं को स्वयं सहायता समूह की बहनों से कनेक्ट किया जाएगा। आदिवासी दलित युवाओं को भी इसी तरह से बैठकों में बुलाकर सम्मानित किया जाएगा। वजह, पार्टी सिर्फ बड़े नेताओं की सभा के भरोसे नहीं रहना चाहती, उसने हर बूथ पर मोटरसाइकिल वाले 11 कार्यकर्ता चुनित किए हैं जो रैली निकालते रहेंगे। महिलाओं की अलग से बैठक होगी, साथ ही सहकारी समितियों के सदस्यों से चाय पर चर्चा का प्लान दिया है। धार्मिक मठ, सांस्कृतिक मंचों के अलावा एक जैसी विचारधारा वाले संगठन जैसे किसान संघ, ABBP से मीटिंग के लिए कहा है। सौंपे गए काम हुए कि नहीं सर्वे कर रही है बाहरी टीम। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इंदौर संभाग में सर्वे कराने आई स्पेशल टीम को दिल्ली से भेजा गया है। यह स्पेशल टीम एक निजी एजेंसी की है।
टीम में 15 सदस्य शामिल हैं जो इंदौर सहित संभाग में हर बूथ तक जाकर जानकारी जुटा रहे हैं। बताया जा रहा है कि टीम अंतिम चरण का सर्वे कर रही है जो आने वाले 10 दिनों में काम पूरा कर आलाकमान को अपनी रिपोर्ट सौंप देगी। सवाल पूछे तो हक्का बक्का रह गए बीजेपी पदाधिकारी। सूत्रों के अनुसार मंगलवार दोपहर 2:45 पर सर्वे टीम जावरा कंपाउंड स्थित कार्यालय पहुंची। टीम ने मौजूद नेताओं से पूछा कि यहां दीवार पर बीजेपी के प्रचार की पेंटिंग नजर नहीं आ रही है। बीजेपी नेता ने जवाब देने से पहले पूछा कि आप कौन। टीम ने दूसरा सवाल दागते हुए पूछा कि बूथों का क्या हाल है। बीजेपी नेता ने कहा कि पहले आपका परिचय दीजिए। स्पेशल टीम ने कहा कि हम दिल्ली से सर्वे करने आए हैं, जो काम आपको दिया गया था वह हुआ कि नहीं। इस पर बीजेपी नेता टीम को लेकर अलग रूम में चले गए और मंत्रणा शुरू कर दी। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही प्रमुख खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।